अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं फूड किंग शेफ हम्माद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैरियत से। तो वैसे भी मैंगो का सीज़न जा रहा है, क्यों ना आज हमारे किचन में मैंगो का कुछ मीठा बनाया जाए और वो भी कुछ डिफरेंट। तो आज हम मैंगो टूटी फ्रूटी सैलड बनाते, उसके लिए यहाँ मैंने 2 कप क्रीम ले लिया। ये हमारे पास मिल्क पैक का है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते। और यहाँ हम 1 कप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, अगर रेडीमेड लेना चाहते तो रेडीमेड ले लें। और यहाँ हम 2 मीडियम साइज़ के मैंगो लेंगे। और यहाँ 1 कप मैंने पानी लिया, बॉयल किया और इसमें मैंने मैंगो जेली डाल के जमा लिया और इसे मैंने स्कूप में काट लिया। और यहाँ हम एक टिन लेंगे मिक्स फ्रूट का, ये देखें ये इसके अंदर हम डालेंगे। और यहाँ हम 2 टीस्पून पिस्ते बादाम जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिए ये डालेंगे। तो चले यहाँ पर एक बोल है और ये मैंगो को आके लेकर आते, बोल को पीछे और मैंगो को काट लेते। ये देखें और मैंगो को काट लेंगे, ये देखें। ये झटपट बनने वाला मीठा है, आप बनाएं और आप इससे डिजर्ट्स भी कह सकते हैं। और ये देखिए स्पून उठाएंगे और इस बोल में इसे डालते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम काट काट के डालते जाएंगे। ये देखिए सारे मैंगो को मैंने स्कूप में काट लिया और हम इसके अंदर ये जेली डाल देंगे। और ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल ये खोल के डाल देंगे। और अब ये टिन हम डाल देंगे, इसमें से मैंने सिरप हटा लिया, ये 1 कप के करीब है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा कंडेंस मिल्क। वैसे यहाँ आम थोड़े कट्टे थे इसलिए मैं 1 कप ले रहा हूँ। झटपट वाला मीठा है, आग के सामने खड़ा होना भी नहीं पड़ेगा, आप ये बनाएं 10 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएगा। और ये क्रीम डाल देंगे, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंगो को स्कूप में काट लिए थे, थोड़े से मैंने उसमें से निकाल लिए थे। और इसमें मैंने चुटकी भर फूड कलर डाल दिए, ज़रदा फूड कलर। मैंगो का कलर तो लाइट था इसलिए मैंने डाल दिया। और अब ये हम इसके ऊपर रख देंगे, ये देखें इस तरीके से। ये देखें और हम बीच में डाल देंगे पिस्ते और बादाम, ये सारा डाल देंगे। ये देखें यार फ्रूट में चेरी निकली थी तो ये हम बीच में रख देंगे इस तरीके से, ये देखें। तो मज़े से हमारा मैंगो टूटी फ्रूटी सैलेड रेडी है। मैंगो मिल्कशेक बनाते, मैंगो का सीजन है, क्यों ना आज हम बनाएं मैंगो मिल्कशेक। और मैंगो लवर्स के लिए आइडिया ले, और मिल्क शेक तो सभी को पसंद होता है। मेरी सिस्टर भी कुछ दिनों से फरमाइश कर रही थी मैंगो मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। तो क्यों ना आज मैं अपने किचन में बनाऊँ मैंगो मिल्क शेक, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान। उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के मैंगो ले लिए थे जिसे मैंने स्कूप में काट लिया। मैंने चूसा आम लिए थे, आप कोई सी भी ले सकते। और यहाँ मैं ले लूँगा 3-4 कप
3-4 कप चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं दानेदार, आधा कप ले लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मिल्क शेक में अच्छा लगता है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ मैं कटे हुए पिस्ते और बादाम लूँगा 2 टेबल स्पून 2 टी स्पून, और यहाँ मैं ले लूँगा मैंगो स्कूप, इसे मैं गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगा, और 1 लीटर दूध लूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक जग मैंने ले लिया, उसके अंदर ये मैं मैंगो ऐड कर दूंगा। यहाँ मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपके पास ना हो तो आप किसी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। ये देखिए सबसे पहले मैं मैंगो को ब्लेंड कर लूँगा, फिर दूध ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्यूरी निकालनी है इस वजह से। ये देखिए अच्छे से प्यूरी मैंने कर ली, और अब मैं इसके अंदर डालूंगा मिल्क पाउडर, और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा दूध। मैं अभी 2 कप डाल रहा हूँ क्योंकि जग में जगह नहीं है, 2 कप बाद में ऐड करूंगा जब मैं निकाल लूँ। साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा चीनी, पहले अभी मैं आधा कप डाल रहा हूँ। ये देखिए अच्छे से हो चुका है, तो चले अब गिलास में सर्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सर्व करने के लिए 2 अदद गिलास ले लिए। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा ये मैंगो मिल्क शेक, इसमें भी डाल दूंगा। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम से डेकोरेट कर लूंगा। मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दी कीवी क्रीम, और सादा स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरीके से कर लूंगा कि आपकी मर्जी, आप करना चाहे कर ले वरना मत करें। और अब मैं इसको डेकोरेट कर लूंगा मैंगो स्कूप से। इसको भी और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा कटे हुए पिस्ते और बादाम। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंगो मिल्कशेक मेरा तैयार है, और मुझे उम्मीद है आपको ये मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी पसंद आई होगी। वैसे भी आप मैंगो का सीज़न है, आप ये डिज़र्ट्स बना लें, बहुत ही आसान है। जब मेहमान आए उनके आगे भी रख सकते हैं, किसी पार्टी बर्थडे वगैरह में भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 आम ले लिए मीडियम साइज़ के। सबसे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी एक प्यूरी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें हमारी प्यूरी रेडी है, और ये देखें हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे 1 कप। अब हम 1 कप ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली, ये देखिए हमारे मेजरमेंट के, और इसे अब हम एक बोल में डाल देंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज का निकला भाई ये देखिए। और अभी हम ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हैंड मिक्स से भी कर सकते हैं, हैंड मिक्स से टाइम वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। और इसे हम इतना बीट करेंगे कि अपनी क्वान्टिटी का डबल हो जाए ये क्रीम, और अब हम इसे लो स्पीड पर बीट कर लेंगे कि अपनी क्वान्टिटी में डबल हो जाए ये क्रीम। व्हिप कर लेंगे इसे, 2 से 3 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। ये देखें 2 मिनट में अच्छे से क्रीम हमारा व्हिप हो चुका है। ये देखें ये ऐसे होना चाहिए कि स्टिक से गिरे नहीं, ये देखें गिर नहीं रहा, ये देखें ऐसे होना चाहिए, इसकी यही पहचान है। क्रीम हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है, और हम इसके अंदर 1/2 कप प्यूरी डाल लेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी बचा रहा हूँ। ये देखें थोड़ी सी मैंने बचा ली, 2 टीस्पून, और अब इसे भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे इसी क्रीम में। ये देखें बहुत ही मज़े के ये डिज़र्ट हमारा बनेगा, और बहुत ही आसान है। ये देखें 1 मिनट तक हमने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। ये देखें
अच्छे से हमारे बीट हो चुके हैं। अब हम ये स्टिक हटा देंगे, पहले इसे डालेंगे अच्छे से। ये देखें सब चीज़ें सर्विंग के लिए रेडी है। ये क्रीम है जो हमने आपके सामने व्हिप की है, और ये मैंने दो आदद आम ले लिए जिसे हमने स्कूप में काट लिए है देखें, और ये मैंने एक जेली लिए, एक कप पानी लिया बॉयल किया और उसमें रेड वाली जेली डाल दी, आप मैंगो वाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पास प्लेन केक है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैंने रेडीमेड लिया, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल से देख सकते हैं। अगर रेडीमेड लेना चाहे तो रेडीमेड ले। और यहाँ हम एक कप दूध लेंगे केक को सोक करने के लिए। तो चले यहाँ हम देख एक डिश लेकर आते हैं, सर्विंग बोल है। इसके अंदर सबसे पहले हम केक क्लियर रखेंगे, ये देखिए दूध में पहले इस तरीके से सोक करेंगे, और फौरन से निकाल दीजिएगा वरना केक टूट भी सकते हैं। ये देखिए दूध में इस तरह से सोख लेंगे केक को, इससे ये होगा कि केक हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे, और हसबे ज़रूरत मैंने यहाँ ले लिए केक, इसी तरह हम रख लेंगे। ये देखिए मैंने केक के लिए रख लिया, और हम इसके ऊपर ये मैंगो शंक से ये रख गेट डाल देंगे। ये देखिए और ये जेली, बहुत ही झटपट बन जाता है ये डिजर्ट्स। और अब ये क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए हम इसे लेवल कर लेंगे, इस क्रीम को स्मूथ कर लेंगे अच्छे से, सब जगह कर लेंगे। ये देखिए हर जगह हमने अच्छे से क्रीम फैला दी है, और अब इसके ऊपर मैंगो दोबारा से डाल देंगे। ये देखिए मैंगो मैंने डाल दिया, और इसके ऊपर ये जेली डाल देंगे। वैसे मैंने केक की एक लेयर लगाई है, अगर आप दो लेयर भी लगा सकते, लेकिन मैंने एक लेयर लगाई है केक की। ये सारी जेली डाल देंगे ऊपर। ये देखिए इसके ऊपर हम दोबारा से क्रीम लगा लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए सब क्रीम हमने लगा दी, और ये देखिए मैंने थोड़ी सी प्यूरी जो बचाई थी, अब ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, सारी डाल देंगे। ये देखिए आप कोई टूपी की, ये देखिए मैंने माचिस की तीली ली, इससे इसके डिज़ाइन बना लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए बकाया क्रीम, ये देखिए मैंने एक पाइपिंग बेग में डाली, और ये हम सादे स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे। ये देखिए एक यहाँ बना लेंगे, ये देखिए यहाँ बना लेंगे, यहाँ और एक बीच में, और हम इसके ऊपर चेरी लगा लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हम चेरी लगा लेंगे। ये देखें कितना मज़े सा हमारा डिज़र्ट्स रेडी है, और हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर सर्व करेंगे। और अगर आपको जलती है तो आप इसे फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी ठंडी है और मैंगो भी। तो मैं इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा, फिर मिलते हैं आपसे। इसे निकाल लिया डिज़र्ट को, हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे,
माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे ये डिजर्ट्स बनाए। ये देखिए मुंह में जाकर ही खुल जाएगा। ये देखिए कितना मजे का बने। आज हम मैंगो ट्राइफल बनाते, मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल बनाते। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, जो मैंगो के बहुत क्रेजी है जिस तरीके से मेरी सिस्टर। तो आज मैं घर में बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान मैंगो डिज़र्ट। तो मैंने आपको बनाना सिखाया है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ हट के बना रहा हूँ कुछ डिफरेंट मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंगो लवर्स के लिए आइडियल है। उसके लिए मैंने 3 कप दूध ले लिया, फुल मिल्क दूध मैंने यहाँ ले लिया। और हाँ, यहाँ हम लेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। नीडो का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, वरना ये आप स्किप भी कर सकते, लेकिन मेरे कहने से ज़रूर डालिएगा ये। और यहाँ हम कुटा हुआ पिस्ते और बादाम लेंगे 2 टीस्पून। चीनी लेंगे 1/2 कप, 1/2 कप में 1 टीस्पून प्लस कर दीजिएगा, वरना ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, दाने दाने जैसे नॉर्मल शुगर होती है घर में वैसे ही। और यहाँ हम 4 टेबल स्पून लेंगे मैंगो कस्टर्ड पाउडर। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक सॉस पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया, चूल्हे को मैंने मीडियम पे ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा दूध और थोड़ा सा मैं बचा रहा हूँ कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा मिल्क पाउडर। चूल्हे को मैंने इस वक्त मीडियम पे ऑन किए और इसको मैं हैंड मिक्स से अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि ये अच्छे से डिजोल्व हो जाए मिल्क पाउडर। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और अब मैं इसको चीनी को डिजोल्व हो जाने तक पकाऊंगा, जब तक इसमें एक बॉयल भी आ जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका है। चूल्हे को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगा, मीडियम लो। यहाँ पर देखिए एक मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा दूध। और अब मैं ये अच्छे से डिजोल्व कर लूंगा ये कस्टर्ड, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए कस्टर्ड के। ये देखिए अच्छे से डिजोल्व हो चुका है कस्टर्ड हमारा, ये देखिए। और चले अब हम इसे दूध में डाल लेते। ये देखिए एक हाथ से हम दूध को हिलाएंगे हैंड विक से और ये कस्टर्ड डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर लम्स नहीं बने इस तरीके से। यहाँ मुझे कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून लिए। ये देखिए ये मैं सारा ऐड कर दूंगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और अब मैं इसे 1 से 2 मिनट पका लूंगा ताकि कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया कस्टर्ड। और ये देखिए कस्टर्ड कितना गाढ़ा है, ये देखिए मुझे ऐसे ही गाढ़ा चाहिए था। ये देखिए चूल्हे को करता हूँ बंद, रख देते इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए और चलते अगले प्रोसेस की तरफ। चूँकि मैं मैंगो ट्राइफल बना रहा हूँ तो मैंगो तो चाहिए, उसके लिए मैंने 2 सिंदरी आम ले ली, ये देखे मीडियम साइज़ के। एक को मैं मिक्सी में डाल के फाइन पीस लूँगा और दूसरे को मैं स्कूप कर लूँगा, हाथ से काट लूँगा आपके सामने। और एक को मैं मिक्सी में डाल के प्यूरी बना लूँगा। ये देखिए इसको मैंने मिक्सी में डाल दिया और अब इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए इसकी मैंने प्यूरी बना ली, रख देते इसको एक साइड पर। ये देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली चिल्ड, 1/2 कप से 2 टेबल स्पून माइनस कर दीजिएगा। मैं गिलास में लेयरिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कम ले रहा हूँ, अगर आप किसी डिश में कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसको लो स्पीड में बीट करूँगा तब तक जब तक कि अपने वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता और यह फ्लफी नहीं हो जाता है। ये देखिए क्रीम हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है, ये देखिए इसको एक साइड पर रख देंगे। ये देखिए हम कस्टर्ड को बीट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स हो तो वो ख़त्म हो जाए। ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है कस्टर्ड, ये देखिए ये अच्छे से बीट हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूंगा मैंगो प्यूरी जो हमने आपके सामने प्यूरी की, ये 1/2 कप के करीब निकला है। और अब मैं इसको चंद सेकंड के लिए वेट कर लूंगा कस्टर्ड के साथ। ये देखिए अच्छे से बीट हो चुके हैं, तो चले ट्राइफल को असेंबल कर लेते। ये देखिए सब कुछ रेडी है, तो चले ट्राइफल को असेंबल कर लेते। यहाँ मैंने 2 गिलास ले लिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा कस्टर्ड जो हमने आपके सामने रेडी किए। ये देखिए 1 टेबल स्पून में डाल रहा हूँ
और अब मैं इसके अंदर रख दूंगा कपकेक। आप अपने मनपसंद के कोई भी केक ले सकते हैं, लेकिन मैं कपकेक ले रहा हूँ और एक इसमें भी रख दूंगा। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा कस्टर्ड। अब मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगा, शुरू में कम इसलिए डालता कि ये कस्टर्ड थोड़ा और ये केक थोड़ा सा सोख ले कस्टर्ड। और अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा कस्टर्ड डाल दूंगा इसमें भी। और अब मैं इसके अंदर डाल लूँगा स्ट्रॉबेरी जेली। इस वक्त मेरे पास मैंगो जेली मौजूद नहीं थी, तो मैं यही ले रहा हूँ। और मैंगो और ऑरेंज रेड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा आएगा। और अब मैं इसके ऊपर कुटा हुआ बादाम और पिस्ता डाल दूँगा, गार्निश कर लूँगा। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगा व्हिप कीवी क्रीम। इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया और सादा स्टार नोजल रखती है, इस तरह डिज़ाइनिंग अच्छी आ जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखें, और इसमें भी। अगर आप क्रीम नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसके बगैर भी ये बना सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा मैंगो, जिसे मैंने स्कूप में काट लिया था इस तरीके से। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं मचा लूँगा, बाकी मैं सारे डाल। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से डालूँगा कस्टर्ड। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगा मैंगो स्कूप, इस पर भी। और दोबारा से मैं इसके ऊपर डालूंगा जेली। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा कटे हुए पिस्ते और बादाम, इस पर भी। और दोबारा से मैं इसके ऊपर डालूंगा व्हिप कीवी क्रीम। अब मैं एक डिज़ाइन बना लूंगा इसके ऊपर इस तरीके से, इससे बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। और इस पर भी ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको जरूर पसंद आएगा। और बीच में एक फ्लावर बना लूंगा इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर मैंगो स्कूप रख दूंगा, ताकि लगे ना कि मैंगो ट्राइफल है, इस तरीके से रख दूंगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अब मैं ये फ्लावर्स के ऊपर रख दूंगा जेली इस तरीके से, और इस पर भी। और अब मैं लास्ट में गार्निश कर लूँगा पिस्ते और बादाम इस तरीके से, और इस पर भी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अब आप इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख के चिल्ड सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको यह मैंगो ट्राइफल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको यह मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल की सिंपल तरीके से रेसिपी अच्छी लगी है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।